तो राम राम सही भाइयों को, क्या है भाइयों आप सबके, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आज हम जाने वाले हैं गणेश विसर्जन के लिए, हम गणेश जी लेके आए थे 8 दिन पहले आज से। तो आज है भाइयों थर्सडे यानी कि 16 तारीख, आज हम गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं। तो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्रोसीजर पूरा दिखाऊंगा कि मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे हैं हम। 2 जगह में से एक जाएंगे, या तो नानू की नहर या फिर भोले की जाल, हो सकता है हम जहाँ तक है कि भोले की जाल पर ही जाएंगे और अपनी नई क्रेटा में जाएंगे हम गणेश जी को लेकर। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। बाकी मैं आपको एक बार बता दूँ, आप कहीं भी अगर जा रहे हो ना गाड़ी लेकर के, तो आप ना गाड़ी को स्टार्ट ज़रूर करा करो, क्योंकि क्या है गाड़ी कहीं भी जाने से पहले स्टार्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया है। गाड़ी का मतलब डीजल गाड़ी वैसी है और बिना स्टार्ट के डीजल गाड़ी दोस्तों कहीं पर भी लेके ना जाएं, जाने से 5 मिनट पहले आप गाड़ी को स्टार्ट छोड़ दें उसके बाद ही लेके जाएं। बाकी आप इसकी आवाज़ सुनो, आवाज़ ज़रा सी भी नहीं है गाड़ी में, इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी आवाज़ नहीं है। तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको वीडियो में। भाइयों अब हम आ गए हैं यहाँ पे, पेपला गांव आता है। अगर आप भोले की जाल जाना हो तो उससे पहले एक गांव पड़ता है, तो ये वही गांव का रास्ता है। गांव से होते होते आप फिर भोले की जाल पे जाते हो और ये वन वे है, मतलब बहुत छोटी सड़क है आप देख सकते हैं। और ये रहे हमारे गणेश जी, ये रहे हमारे गणेश जी। आज 7वें दिन आज है हमारा, हमने रखे हुए इनको 7 दिन हो गए हैं, तो 7वां दिन है आज गणेश जी का। आज विसर्जन आज हम करने जा रहे हैं भोले की जाल पे, तो वहाँ पहुँचते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका विसर्जन कैसे होता है। भैया ये भोले की जाल के लिए किधर का, बिल्कुल सीधा अच्छा वही मेन पे ही है। यहाँ से 2 किलोमीटर का है भोले की जाल, हम कभी आए नहीं ना तो हमें इतना पता नहीं है भोले की जाल का, बहुत पहले आए थे और तब तक रास्ता चेंज भी हो गया। तो यहाँ से बस 2 किलोमीटर है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो भाइयों अभी हम पहुँचने वाले हैं, बस ये रही हमारी गाड़ी और हमारी नई गाड़ी में गणेश जी का आज विसर्जन आज हम करने वाले हैं। तो एक बार गाड़ी का यहाँ से खड़ी है लुक बताओ भाइयों कैसी लग रही है, ऑल ब्लैक क्रेटा कैसी लग रही है, साइड से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इसका DRL, तो ऐसी कुछ गाड़ी का लुक है भाइयों। कहाँ पे भैया अब ये है, तो यहाँ बाकी यहाँ पे एक वो आपका झरना बहता है जिसकी आपको आवाज़ सुनाई दे रखी होगी। भाई अब हम पहुँच गए हैं यहाँ भोले की जाल में, तो देख सकते हैं यहाँ ढोल वाले आ गए हैं। भाइयों देख सकते हैं यहाँ पानी, देखो भाइयों यहाँ भोले की जाल में पानी कितना जबरदस्त स्पीड से हो रहा है, ये जा रही है सीधा, ये हरिद्वार में जाके मिल जाती है भाइयों, ये हरिद्वार में यहाँ पे जाके नदी मिल जाती है। आपकी नानू की नहर है ये हरिद्वार में जाके मिलती है? हाँ जी सर, ये हरिद्वार से आती है, गंगा नहर घर की पैड़ी वाली। अच्छा तो सीधा हरिद्वार जा रही है, तो जितनी भी नहरें सारी एक साथ मिल जाती हैं वहाँ जाके हैं? अच्छा कांवड़ के लिए। हाँ
पानी बड़ा गहरा होगा है ना, कितना कितना फुट मतलब इतना, मतलब भाव भी तेज होगा इसका है? आज ज्यादा नहीं है पानी ज्यादा? अच्छा जी, हाँ भाव तो देखो तेज आ ही रहा है। अच्छा पार भी कर दोगे तुम? अच्छा गहराई में देखिए, तैरना आता होगा ना। अच्छा ये ऊपर डालते हैं। तो भाइयों यहाँ पे बंदर भी है, वहाँ पे ये रे डिब्बा। कितनी दूर ले गया? तो भाई हमने विसर्जन कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब जो इसका पानी है ना बहुत ही ज़्यादा गहरा और साफ है, एकदम बिल्कुल साफ है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। और आवाज़ देखो यहाँ पे, आपको आवाज़ आ रही होगी ये आवाज़, ये वहाँ से पूरा पानी है। ये देखो यहाँ नीचे पानी बह रहा है, मतलब यहाँ पे लोग नहाने कमा रहे हैं। पहले तो पुलिस वाले ने कोरोना की वजह भगा है। अच्छा वरना यहाँ पे लोग नहाने आते थे खूब? अच्छा बाद खाना भी बनाता था, मौसम भी चेंज हो गया ना, घूमना हमें सही क्या दोबारा अभी तो हुई पहले मेला लगा था। ये बिजली का रहा है बोले भी जाल का। अच्छा बिजली बनती है यहाँ पे? अच्छा यहाँ बिजली बनती है? अच्छा वो है वहाँ बिजली बनती है, घूमना चाहता था घूम लिया तस्वीर भी ले आओ। अच्छा जी, तो ये छोटा हरिद्वार के नाम से फेमस है? फेमस होने वाला है, हो गया अभी। अच्छा हो गया, पैसा होगा सब कुछ आ गया। तुम यूट्यूब पे आओगे? यूट्यूब पे आओगे पूरी? यूट्यूब देखते हो आप? अच्छा आटा ही बनता है यहाँ पे? अच्छा आप भी कुछ कहना चाहेंगे बेटा? कहते यार यूट्यूब पे आएगा तू? यूट्यूब पे नाम बताए यूपी 15 नहीं पूरा बताओ। भूल गए? नहीं नहीं जिला मेरठ बिल्कुल यूपी 15 यहाँ पर जो नहरा और यहाँ पर गंगा जैसा पानी आता है। अच्छा यहाँ पर पानी आता है और यहाँ पर मूर्ति का विसर्जन? मूर्ति का विसर्जन यहाँ आटा, यहाँ आटा चक्की है। अब वो किससे चलती है? वो पानी से चलती है। यहाँ एक आटा की चक्की है जो पानी से चलती है। अंग्रेजों ने खोज करी थी? हाँ ये अंग्रेजों ने खोज की थी। अच्छा इस भोला जाल की ये खासियत है। विसर्जन जो मैं कहता था ना आपको, बिजली वो बनती है यहाँ पे, देखो यहाँ बनती है बिजली और यहाँ पे आटा की चक्की भी है कहीं पर। जितनी यहाँ बिजली बनती है सारी मतलब आसपास के इलाकों में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, खतौली में, वहाँ पे सप्लाई होती है। और ये रही अपनी गाड़ी, जा रहे हो भैया? गाड़ी सही है हमारी? गाड़ी सही है? क्रेटा सही है बड़ी? अपना भाई यूट्यूब तुम्हारी वीडियो आएगी यूट्यूब पे? हाँ नेट पे सब्सक्राइब करा लेते हैं। तुम सारे यूट्यूब पे आओगे? बिजली बनती है पानी से? बिजली बनती है पानी से? चलते हैं।
तो भाइयों अब हो गया हमारा यहाँ पे विसर्जन तो हो गया होना था। यहाँ पे ये है कि जो आसपास के लोग जैसे खतौली के हो गए, मेरठ के हो गए, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ भी जा सकते हो आप, साथ साथ वहाँ पे नैनू की नहर है वहाँ भी जा सकते हो, और भोला की जाल, ये दो, ये नैनू की नहर और भोला की जाल, यहाँ दो जगह आके आप यहाँ परवा सकते हो। तो ये है, तो बाकी चलते हैं घर पे, फिर आपसे बात करते हैं बाद में। यहाँ भाइयों मैंने जैसे बताया बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो उनमें से ये भी आए हैं।